हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं ट्विन फ्लेम की वीकली रीडिंग। डीएम की एनर्जी क्या रहेगी डीएफ के लिए, डीएफ की एनर्जी क्या रहेगी डीएम के लिए, और कुछ कलेक्टिव कार्ड्स निकालेंगे एज ए फाइनल आउटकम। तो चलिए देख लेते हैं। तो दिस वीक, विद इन वन वीक, डीएम की करंट एनर्जी क्या रहेगी विद इन नेक्स्ट वन वीक फॉर डीएफ। आई एम नॉट रेडी येट। आज थोड़ा डिफरेंट वे में हम रीडिंग करेंगे, राइट? ओके, चलिए। अभी जो पहला कार्ड आया है हमारे पास वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है, अपनी टेक केयर करते हुए नज़र आएंगे, खुद को पैम्पर करते हुए नज़र आएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आएंगे, अपनी अपीरेंस में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपनी अपीरेंस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक है? और काफ़ी फायरी और कॉन्फिडेंस पूरा फुल रहेगा, ठीक है? वैसे तो हमने ये निकाला था डिवाइन फेमिनिन की तरफ उनकी क्या एनर्जी रहेगी, बट ये उनकी खुद की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है कि पूरा पैशन काफ़ी रहेगा, एक्साइटमेंट। कोई काम करेंगे तो पूरे पैशन के साथ करेंगे, यहाँ करेज बहुत दिख रहा है, ठीक है? और अपने इंट्यूशन को भी सुन पा रहे हैं, किंग वाली एनर्जी है, ठीक है? मैच्योरिटी के लेवल से ही अपनी लाइफ में जो है जो भी डिसीजन है अगले नेक्स्ट वीक में लेने वाले हैं, ठीक है? और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा। तो या ये उनकी एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम, चैरियट कार्ड। आगे बढ़ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस किया है। यहाँ डिवाइन फेमिनिन्स ने विद इन नेक्स्ट वन वीक जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं खुद को बैलेंस कर रहे हैं। नो इमोशनल लोचा, नो, एक मैच्योरिटी का लेवल आ रहा है, प्लस खुद को बैलेंस कर रही हैं, प्लस टकने से उभर रही हैं, प्लस आगे बढ़ रही हैं। कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यहाँ, ठीक है? अपनी जो भी यहाँ पे काफ़ी उनकी जो एनर्जी है काफ़ी बड़ी चढ़ी रहेगी, आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। नो स्टकनेस, नो पेन, नो नथिंग, अपनी धुन में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? चैरिट है आगे बढ़ना, आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सिक्स ऑफ कप्स। तो अब कुछ ओल्ड मेमोरीज हैं डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, ठीक है? उनको भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। ओल्ड मेमोरीज, सोलमेट की तरह देखते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को, कुछ पुरानी बातें याद कर सकते हैं अगले एक हफ्ते में, ठीक है? बट कोई इमोशनल लोचा यहाँ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कुछ एंगर इश्यूज भी हैं डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में, जब भी सोचते हैं थोड़े एंगर इश्यूज निकल के आ जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो मूड है वो थोड़ा स्विंग करता है, कभी उन्हें गुस्सा भी आता है, कोई ऐसी याद आ जाती है या किसी बात पे यहाँ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, बट उनकी ओवरऑल जो एनर्जी है काफ़ी मैच्योर रहेगी। यहाँ टू किंग्स आए हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन लेवल उनका काफ़ी, एक तो कम्युनिकेशन किसी तरीके से अच्छा हुआ हो, ठीक है, या कुछ भी कम्युनिकेट करते हुए नज़र आएंगे यहाँ। यहाँ ट्रुथ सीकर की तरह भी दिख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, कि ट्रुथ, एक अपने डायरेक्शन पे फोकस करना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना, तो काफ़ी फोकस रहेंगे अपनी लाइफ में। प्लस यहाँ किसी तरीके से काफ़ी मैच्योर हुए हैं यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन्स, काफ़ी मैच्योरिटी का जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये जो गुस्सा है ना डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ना होकर, ये अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो कि कार्मिक हैं या कुछ इरिटेट करते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करने की भी सोचेंगे विद इन नेक्स्ट वन वीक, ठीक है ना? उनका थोड़ा ये एंगर वाला इश्यूज उनके लिए भी रहेगा, जो चीज़ उन्हें सर्व नहीं कर रही उनको अपनी लाइफ में कट कर देना। लास्ट कार्ड लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की फीलिंग्स फॉर डिवाइन फेमिनिन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट फील करेंगे, लस्ट और अट्रैक्शन फील करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ठीक है? और कुछ केसेस में यहाँ पे भागते हुए डेस्परेट सी ऊर्जा है, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैशन एंड अट्रैक्शन अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ भागते हुए भी आएंगे, ठीक है? तो यहाँ कुछ लोगों के जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है बहुत डेस्परेट एनर्जी की वजह से उनको मैसेज भी रिसीव हो सकता है उनके पार्टनर की तरफ से डिवाइन फेमिनिन्स को, राइट? तो उनकी ऊर्जा ओवरऑल यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को बैलेंस, यहाँ अपनी यिन एंड यांग साइड को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। लाइफ में एक बैलेंस बनाया है या बनाएंगे, अगले हफ्ते की एनर्जी है ये, ठीक है?
कुछ ओल्ड यादें, और यहाँ एक ये अवतार भी होगा उनका कि जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं कर रही उनको कट करना, ठीक है। वर्बली उनकी थोड़ी बहुत किसी के साथ फाइट हो सकती है, तो या वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी डिवाइन मैस्कुलिन में। और ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये डिवाइन फेमिनिन की तरफ थोड़ी डेस्परेट लस्ट वाली एनर्जी शो कर रहा है। चलिए अब हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की लव एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए विद इन नेक्स्ट 1 वीक। डिवाइन फेमिनिन की लव एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए विद इन नेक्स्ट 1 वीक क्या रहेगी। ओके, ये सारे कार्ड आना चाहते हैं, हमको ऊपर ही रखते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ होल्ड बैक करेंगी डिवाइन फेमिनेंस, अपना हार्ट ओपन करने के लिए रेडी नहीं है अभी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, अपना हार्ट बंद करके बैठी हैं, ठीक है। होल्ड बैक वाली एनर्जी है यहाँ। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई विश पूरी हो रही है डिवाइन फेमिनेंस की, और कुछ डिवाइन फेमिनेंस अपने मैस्कुलिन को देखती हैं कि वो उनकी विश कम ट्रू हैं, बट स्टिल यहाँ होल्डिंग बैक की एनर्जी है। बट यहाँ कुछ लोगों के लिए ये जो कोई विश फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में किसी और एरिया को लेकर हो सकती है, जो कि उनकी कोई विश उनकी लाइफ में नेक्स्ट 1 वीक में पूरी हो सकती है, कोई एक विश, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मून कार्ड। यहाँ पे हिडन इमोशंस हैं, डिवाइन फेमिनेंस अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है, खुल के अब नहीं बता रही हैं। विद इन नेक्स्ट 1 वीक जो है होल्ड बैक करेंगी, और साथ ही अपने इमोशंस नहीं बताने वाली, अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है, दबा लिया है। मजीशियन, यहाँ देखिए 9 ऑफ कप्स और जो ये मजीशियन का कार्ड आया है, ये कुछ मैनिफेस्टेशंस दिख रही हैं, अपनी ड्रीम्स की मैनिफेस्टेशन कर रही हैं। अब ये डिवाइन फेमिनिन टू फेमिनिन वेरी करेगा, अगर डिवाइन फेमिनेंस अपने मैस्कुलिन को वापस चाहती हैं तो वो मैनिफेस्ट करेंगी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, ठीक है। और अगर डिवाइन फेमिनेंस की कोई और डिज़ायर है उनकी लाइफ में, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो लव वाइज हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, या किसी भी वाइज हो, ठीक है, तो अपनी उस डिज़ायर को काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर भी रही थी और करती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं होगी विश फुलफिलमेंट विद इन 1 वीक हो भी जाएगी। लास्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी हार्डवर्क करते हुए नजर आएंगी, और ये हार्डवर्क जो है वो मैनिफेस्टेशन के बारे में है। कुछ तो अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रही हैं, इमोशंस को हाइड कर रखा है डिवाइन मैस्कुलिन से, होल्ड बैक कर रही हैं डिवाइन फेमिनेंस, ठीक है, और अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट्स और हार्डवर्क पुट कर रही हैं, ठीक है। तो या डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जो यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है वो थोड़ी होल्डिंग बैक वाली लग रही है, ठीक है, इमोशंस भी नहीं बता रही हैं, ठीक है, बहुत सारे इमोशंस हैं यहाँ, ठीक है, लव बहुत है लेकिन हाइड किए हुए हैं, ठीक है। और या मैनिफेस्टेशन करती हुई नजर आएंगी, हार्डवर्क करती हुई नजर आएंगी अपनी ड्रीम्स को। चलिए फाइनल आउटकम ले लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की रिलेशन की विद इन नेक्स्ट 1 वीक, क्या फाइनल आउटकम रहेगी दोनों का, जो रिलेशन है उसका क्या फाइनल आउटकम रहेगा। लेट्स चेक आउट 2 कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स बोले और 2 ही कार्ड्स आए, वाओ ग्रेट। यहाँ हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हीलिंग हो रही है यहाँ कहीं ना कहीं दोनों की, अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में कुछ पुराने घाव को हील करते हुए दोनों नजर आएंगे। एक दूसरे के बारे में थिंकिंग करने वाला टाइम पीरियड भी रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के बारे में थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, प्लस अट्रैक्शन बनी रहेगी अगले एक हफ्ते में, पैशन अट्रैक्शन लस्ट जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। दोनों की डिज़ायर रहेगी एक दूसरे के साथ न्यू बिगनिंग करने की, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बारे में डे ड्रीमिंग करते हुए भी दोनों नजर आएंगे अगले एक हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पैशन और अट्रैक्शन बहुत दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल लेट के अपने दिमाग में वो ख्याली पुलाव वाली यहाँ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे खोए रहना। तो या कुछ लोगों की यहाँ ये एक्शन वाला कार्ड भी है, कुछ लोगों की यहाँ डेफिनेटली जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं अप्रोच कर सकते हैं डिवाइन फेमिनेंस को, और यहाँ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी थी हमारी कलेक्टिव, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।